सीतामऊ क्षेत्र में हो रही आफत की बारिश से किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। सरकार से किसानों ने मुआवजे की मांग की है। सीतामऊ क्षेत्र में पिछले दो दिनों से हो रही लगातार तेज बारिश ने किसानों के हाथ आया निवाला छीन लिया है। किसानों की फसलें खेत खलिहानों में पड़ी हुई हैं और लगातार बारिश के कारण फसलों को भारी नुकसान हो चुका है। खासकर सोयाबीन की फसल काफी बुरी तरह प्रभावित हुई है। आपको बता दें कि क्षेत्र में इन दिनों किसानों की फसल खेतों में पककर तैयार थी, तभी बेमौसम बारिश ने इसे खराब करना शुरू कर दिया। लाख जतन के बावजूद अब किसानों की इन फसलों का नुकसान कम नहीं किया जा सकता। मौसम विभाग के मुताबिक अब भी चेतावनियां दी जा रही हैं कि 20 अक्टूबर तक बारिश का दौर ऐसे ही चलता रहेगा। उधर क्षेत्र के किसान अब चिंता के बादलों के बीच भरण पोषण को मोहताज नजर आ रहे हैं। 6-7 की रात को और 7 को दिन में जो अतिवृष्टि हुई है, इससे काफ़ी फसलों का नुकसान हुआ है। बहुत सी कटी हुई फसलें पानी में डूबी हुई है और खड़ी फसलें जो है वहाँ खेत भरे हुए हैं। कितना नुकसान हुआ है ये तो क्या, अगर शाम तक इसको पानी नहीं सूखे तो 100% ही है, तो फिर किसी काम की नहीं, अंकुरण हो जाएगा इसमें। कल से पानी में डूबी हुई है। क्या लगता, प्रशासन दावे कर रहा है, जनप्रतिनिधि दावे कर रहे हैं, सर्वे की बात की जा रही है, क्या सर्वे के लिए कोई अभी तक नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। मुआवजे किसी प्रकार की कोई घोषणा कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं अभी तक। दो दिन से जो लगातार अतिवृष्टि हो रही है, दिखाई ये दे रहा है कि किसानों की कटी हुई और खड़ी हुई फसलें दोनों पानी में डूबी हुई है। हम इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हरदीप सिंह जी, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनसे मांग करते हैं कि जिस प्रकार से 2019 में अतिवृष्टि हुई थी और आप मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को कायमपुर लाकर के आपने बिना सर्वे के मुआवजा दिलवाने की जो घोषणा करवाई थी, आज आप पुनः सत्तारूढ़ दल के विधायक ही नहीं कैबिनेट मंत्री भी हैं, आपसे हम मांग करते हैं कि किसानों को जिनकी फसलें कटी हुई और खड़ी हुई फसलें पानी में डूबी हुई है, माननीय शिवराज सिंह जी को भी इस क्षेत्र में लाएं और उनसे बिना सर्वे के मुआवजा दिलवाने की घोषणा करवाएं।